नाबालिग प्रेमी से क्रूरता मामले में सोशल ब्रांच ने लिया संज्ञान। चौसा प्रखंड क्षेत्र के रसूलपुर धोरिया पंचायत के श्याम टोला में एक नाबालिग प्रेमी के साथ घटित घटना को लेकर चौक चौराहे सहित इलाके में चारों ओर चर्चाओं का बाजार गर्म है। अखबार में खबर प्रकाशित होने के बाद राज्य पुलिस मुख्यालय पटना के सोशल ब्रांच की टीम ने संज्ञान लिया है। सोशल ब्रांच की टीम पत्रकार व अन्य माध्यम से साक्ष्य जुटा रही है। गुरुवार को सोशल ब्रांच की टीम विभिन्न सामाजिक संगठनों व लोगों से इस संबंध में पूछताछ की है, वीडियो फुटेज वगैरह इकट्ठा करने में जुटी है। वहीं स्थान पुलिस को अभी कार्रवाई के लिए पीड़ित पक्ष से आवेदन का इंतजार है। स्थानीय पुलिस पदाधिकारी का कहना है कि जब तक पीड़ित पक्ष की ओर से सदस्य के साथ शिकायत दर्ज नहीं कराया जाता तब तक कार्रवाई संभव नहीं है। ग्रामीणों द्वारा नाबालिग प्रेमी को अधनंग कर पशु की तरह डंडा से लटका कर पूरे गांव घुमाने जाने के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने से परिजन दहशत में है। पीड़ित के मकदमपुर स्थित घर पर ताला लटक रहा है। पीड़ित के परिजन समेत सभी लोग गायब हो गए हैं। बताया गया कि मीडिया कर्मी और आम लोगों के पहुंचते ही परिजन घर छोड़कर किसी अन्य संबंधी के यहां चले गए हैं।